और संसद सुरक्षा चूक मामले पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल पा रही है कि आरोपी सागर की एक डायरी बरामद हुई है। अब इस डायरी में क्या कुछ है इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस। आपको बता दें कि आरोपी सागर की एक डायरी मिली है। आरोपी सागर की इस डायरी में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ प्रमाण हो सकते हैं, इस पर भी अब तफ्तीश पुलिस की तरफ से की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी सागर की एक डायरी बरामद की गई है। इस डायरी में कितने राज हो सकते हैं इनको भी अब खंगाला जाएगा, क्योंकि लगातार जांच का दायरा इस पूरे मामले में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज 18 इंडिया के पास सागर की डायरी की कॉपी भी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी सागर की एक डायरी मिली है और न्यूज 18 इंडिया के पास आरोपी सागर की जो डायरी है उसकी कॉपी भी न्यूज 18 इंडिया के पास है। तो न्यूज 18 इंडिया के पास सागर की डायरी की वो कॉपी है। आपको बता दें कि आरोपी सागर वही शख्स है जिसने सबसे पहले संसद में कूदकर हुड़दंग मचाया था, और उसके बाद अब ये देखिए, ये जो कॉपी है उसकी डायरी की, ये वो प्रतियां आपको उसकी डायरी की कॉपी की प्रतियां फिलहाल नजर आएंगी और कुछ डेट्स भी आपको इसमें नजर आ रही हैं। तमाम चीजें लिखी हुई हैं। अब इन चीजों में क्या कुछ है, कौन से राज हैं, वो खंगाले जा रहे हैं। अमित हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अमित, तो ये जो डायरी मिली है क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है डायरी के बारे में? देखिए, जो डायरी मिली है सागर के घर पर, आरोपी सागर के घर पर, दरअसल खुफिया एजेंसी लगातार वेट कर रही है। खुफिया एजेंसी ने जब सर्कस पर सर्च किया है तो उस दौरान डायरी मिली है। उस डायरी में कई संदिग्ध बातें लिखी हुई है। उस डायरी का मतलब निकालने की कोशिश इस वक्त खुफिया एजेंसी कर रही है। कुर्बान होने की बात, देश के लिए कुर्बान होने की तमाम बातें लिखी गई है। कुछ एक डायरी पेजेस तो जो 2021 के लिए हुए हैं उन सब बातों के गहन अध्ययन किया जा रहा है। ये सब प्लान था तो ये कब से था, और जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं अभी भी कई अधिकारी जो हैं वो बकायदे इस डायरी को अध्ययन कर रहे हैं। और दरअसल सागर ने जब संसद इस तरीके का कृत्य किया और उसके बाद से लगातार एजेंसी जो है सागर का बैकग्राउंड खंगालने में लगी, और लखनऊ में जो उसका आवास है वहां पर पुलिस ने एजेंसी ने लोगों के साथ भेंट किया। और क्या डायरी में ये पता चल पाया है जो संसद में हुड़दंग मचाया गया, क्या उसके बारे में कोई जानकारी डायरी में लिखी हुई है? डायरी में तमाम बातें लिखी हुई हैं और तमाम संदिग्ध बातें लिखी हुई हैं, उसका मतलब निकालने की कोशिश कर रही है इस वक्त एजेंसी। और डायरी में सीधे सीधे कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है, और डायरी के कुछ पन्ने तो ऐसे हैं जिसमें 2021 से में भी लिखे गए हैं और 2021 भी संदिग्ध बातें उसमें कुर्बान। बिल्कुल बिल्कुल अमित, और एक बार बड़ी वॉल के जरिए मैं एक डायरी भी दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तारीख भी लिखी हुई है इस डायरी की, 06/02/2021। ये देखिए, ये वो डायरी है जो बरामद की गई है। ये सागर की डायरी है, न्यूज 18 इंडिया के पास ये सागर की डायरी की कॉपी है। कुछ बातें इस डायरी में लिखी गई हैं। अब कौन कौन सी बातें इसमें लिखी हुई हैं इसकी जांच की जा रही है, लेकिन ये वही डायरी है जो सागर के घर से बरामद की गई है। अब कई सबूत इस डायरी में हो सकते हैं। कौन कौन से सबूत हो सकते हैं, कौन कौन सी बातें हो सकती है, कौन कौन से राज हो सकते हैं, इनको खंगाला जाएगा। देखिए, कई ऐसी बातें जो है इस डायरी में लिखी हुई है। अब कहीं ना कहीं सुरक्षा का दायरा या जांच का दायरा जो है इस पूरे मामले को लेकर और बढ़ रहा है। डायरी में क्या कुछ होगा ये सामने आएगा।